हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन। सो फ्रेंड्स, मार्केट में पोको कंपनी भी धीरे धीरे अपने पांव पसार रही है। क्यों दोस्तों? पोको कंपनी ने इस साल में अपने कई बढ़िया बढ़िया और अच्छे अच्छे स्मार्टफोन्स को मार्केट में उतारा है, जिसके कारण पोको कंपनी मार्केट में ओप्पो, रियलमी, वीवो और सैमसंग जैसी कंपनियों को कड़ी टक्कर दे रही है। क्योंकि दोस्तों, पोको कंपनी भी अपने ज्यादातर स्मार्टफोन्स को मिड रेंज के अंदर ही लॉन्च करती है। तो दोस्तों, मिड रेंज के अंदर ही पोको कंपनी अपने नए स्मार्टफोन पोको X3 को भी लेकर आ रही है, जो कि दोस्तों लॉन्च से ज्यादा दूर नहीं है। क्योंकि दोस्तों, इस स्मार्टफोन को लेकर लगभग सभी स्पेसिफिकेशन अब सामने आ चुकी है और इस स्मार्टफोन की कुछ पिक्चर्स भी सामने आई है। तो दोस्तों, देखने में पोको X3 स्मार्टफोन एक बहुत ही बढ़िया और अच्छा स्मार्टफोन होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, और इसके अंदर आपको फीचर्स भी बढ़िया मिलेंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं पोको X3 स्मार्टफोन की स्पेसिफिकेशन, फीचर्स, इसके प्राइस और इसकी लॉन्चिंग डेट आदि के बारे में। तो दोस्तों, यदि आप भी पोको कंपनी के फैन है तो दोस्तों, आप इस वीडियो को पूरा और लास्ट तक जरूर देखें, और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर बात की जाए पोको X3 स्मार्टफोन के लुक और इसके डिजाइन की, तो दोस्तों, इस स्मार्टफोन का फ्रंट पैनल तो आपको पोको M2 प्रो स्मार्टफोन की तरह ही देखने को मिलेगा, यानी इसके अंदर भी आपको दोस्तों पंच होल नोच डिस्प्ले देखने को मिलेगी। लेकिन दोस्तों, इस स्मार्टफोन का बैक पैनल आपको अलग टाइप का देखने को मिलेगा। बाकी दोस्तों, आप इस स्मार्टफोन के कैमरा सेटअप को वीडियो में देख भी सकते हैं कि इस स्मार्टफोन अंदर आपको कितना जबरदस्त और बढ़िया डिजाइन का कैमरा सेटअप मिलने वाला है। तो दोस्तों, अगर बात की जाए पोको X3 स्मार्टफोन के फीचर्स के बारे में, तो दोस्तों, इस स्मार्टफोन के अंदर आपको 6.67 इंच की फुल HD IPS पंच होल नोच डिस्प्ले देगी, जो कि 1080x2400 पिक्सल के रेजोल्यूशन के साथ होगी, और इसका एस्पेक्ट रेशियो 20:9 होगा, और इसके अंदर आपको दोस्तों 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट का भी सपोर्ट मिलेगा। तो दोस्तों, डिस्प्ले मामले में स्मार्टफोन आपको पोको M2 प्रो स्मार्टफोन की तरह ही दिखाई देगा। इसके अंदर भी आपको दोस्तों उसी के जैसी डिस्प्ले दी गई है, और इसके अंदर भी आपको दोस्तों IPS LCD पैनल देखने को मिलेगा, और इसके साथ ही इसके अंदर आपको दोस्तों साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर भी देखने को मिल जाएगा। जबकि दोस्तों, बात की जाए इस स्मार्टफोन के कैमरा सेटअप की, तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, इस स्मार्टफोन के बैक पैनल के ऊपर आपको क्वाड रियर कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, जिसमें आपको इसके बैक पैनल के ऊपर 64 मेगापिक्सल, 8 मेगापिक्सल, 2 मेगापिक्सल और 2 मेगापिक्सल का रियर कैमरा और 20 मेगापिक्सल का फ्रंट सेल्फी कैमरा देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, कैमरा के मामले में इस स्मार्टफोन के अंदर आपको इतना ज्यादा अपग्रेड देखने को नहीं मिलेगा। इसके अंदर भी आपको कंपनी अपनी X सीरीज के पिछले स्मार्टफोन की तरह ही कैमरा सेटअप देने वाली है। हालांकि दोस्तों, इस स्मार्टफोन के कैमरा के डिजाइन के अंदर आपको चेंजेस देखने को मिलेगा। बाकी दोस्तों, इसके अंदर आपको कैमरा सेटअप बढ़िया देखने को मिल जाते हैं, जिनसे आप बढ़िया अच्छी पिक्चर्स कैप्चर कर पाएंगे। और दोस्तों, अगर बात की जाए स्मार्टफोन के वेरिएंट्स के बारे में, तो दोस्तों, मार्केट में आपको पोको X3 स्मार्टफोन 4GB, 6GB और 8GB रैम के साथ देखने को मिल सकता है, जिसके साथ आपको 64GB और 128GB का इंटरनल स्टोरेज देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, मार्केट में आपको इसके कई वेरियंट देखने को मिल जाएंगे, और इसके अंदर आपको माइक्रो हेड गार्ड का भी स्लॉट मिलेगा। और दोस्तों, अगर बात की जाए स्मार्टफोन के प्रोसेसर के बारे में, तो दोस्तों, इस स्मार्टफोन के अंदर आपको कंपनी स्नैपड्रैगन का लेटेस्ट चिपसेट देने वाली है। जी हाँ दोस्तों, पोको X3 स्मार्टफोन के अंदर आपको कंपनी ऑक्टा कोर प्रोसेसर के साथ स्नैपड्रैगन 732 SoC का चिपसेट देखने को मिलेगा, और यह मोबाइल एंड्रॉइड 10 ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर लॉन्च किया जाएगा। और ग्राफिक के लिए इस मोबाइल के अंदर आपको एड्रीनो 619 का GPU देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, प्रोसेसर के मामले में स्मार्टफोन आपके लिए बढ़िया रहेगा। इसके अंदर आपको कंपनी स्नैपड्रैगन का लेटेस्ट चिपसेट देने वाली है, जो कि आपको बढ़िया और अच्छा परफॉर्मेंस दे पाए। तो दोस्तों, प्रोसेसर के मामले में स्मार्टफोन आपके लिए बढ़िया रहेगा। और दोस्तों, अगर बात की जाए स्मार्टफोन की बैटरी के बारे में, तो दोस्तों, पोको X3 स्मार्टफोन के अंदर आपको कंपनी 33 वाट के फास्ट चार्जिंग सपोर्ट वाली 5160 mAh की बढ़िया और अच्छी पावरफुल बैटरी दे सकती है। तो दोस्तों, बैटरी के मामले में स्मार्टफोन आपके लिए बढ़िया रहेगा। इसके अंदर आपको बढ़िया और अच्छी पावरफुल बैटरी देखने को मिल जाएगी, और इसके अंदर आपको फास्ट चार्जर भी 33 वाट का मिल जाएगा। तो दोस्तों, कुल मिलाकर पोको X3 स्मार्टफोन के अंदर आपको बहुत ही जबरदस्त और पावरफुल फीचर्स मिलने वाले हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और दोस्तों, अगर बात की जाए स्मार्टफोन की लॉन्चिंग डेट और इसके प्राइस के बारे में, तो दोस्तों, वैसे तो स्मार्टफोन की लॉन्चिंग डेट के बारे में अभी तक ज्यादा जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन दोस्तों, जिस तरह से इस स्मार्टफोन की पिक्चर्स और इस स्मार्टफोन की स्पेसिफिकेशन सामने आई है, तो दोस्तों, उससे ऐसी उम्मीद लगाई जा रही है कि यह स्मार्टफोन आपको सितंबर के फर्स्ट या सेकंड वीक के अंदर ही मार्केट में देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों, अगर इसके प्राइस की बात की जाए, तो दोस्तों, यह स्मार्टफोन भी आपको अंडर 20,000 के आसपास देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों, बाकी आपको पोको X3 स्मार्टफोन कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।